नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बख्शी पंचकुला एग्री चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मुझे बहुत खुशी है, आज हम एक ऐसे फार्म पे आए हैं जो खुद एक कृषि अधिकारी हैं और उन्होंने अपना एक जो है आइडियल फार्म यहां तैयार कर रहे हैं और किया भी हुआ है। तो आज हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे कि प्राकृतिक और जैविक खेती किस तरीके से की जाए और उसमें क्या मॉडल होना चाहिए, ये सब बातें हम आपको जरूर जो है पूरे विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम मिलते हैं जिनके फार्म पे हम आए हैं, डॉक्टर सत्यवान गरेवाल जी, और ये कृषि अधिकारी हैं, तो बाकी इनका परिचय हम इनसे जानेंगे। तो सत्यवान जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले अपना परिचय दें। दोस्तों, पंचकुला एग्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियोस शेयर करें। धन्यवाद जी। नमस्कार बच्ची जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सत्यवान गरेवाल है, मैं कृषि विभाग में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी और भूमि परीक्षण अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले मैं काफी साल तक प्राइवेट कंपनियों में जहर और बीज खाद की जो कंपनियां थी उनमें काम कर चुका हूँ। और मेरा जो गांव है वो सासरौली है, जिला झज्जर पड़ता है ये। अगर मैं बात करूँ अपने फार्म की, तो इस फार्म में जो हमने बनाने का उद्देश्य था, इस फार्म को डेवलप करने का उद्देश्य ये था कि बच्चों को जब मैं लेकर आऊं साप्ताहिक डेस्टिनेशन पर, तो मैं क्यों ना मैं अपने फार्म पर ही लेकर आऊं। उस के तहत हमने इस फार्म का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने इस खेत की बाउंड्री शुरू करवाई, जो कि फेंसिंग है, तारों से फेंसिंग की हुई है। और उसके बाद में हमने इस खेत में परमानेंट वाले पौधे, जो बाग वाले पौधे हैं, वो लगाने स्टार्ट किए। इसमें आप देख रहे हैं सभी तरफ। अगर मैं बात करूं इस फार्म की, तो मैंने पहले ही बताया कि साप्ताहिक डेस्टिनेशन पे, तो जब हम आए तो मेरा उद्देश्य ये था कि कोई ना कोई फल, कोई ना कोई सब्जी हमें अपने परिवार के लिए एक सप्ताह की तैयार मिल जाए, 10 दिन की तैयार मिल जाए, वो हम लेके अपने थाली तक लेके जाएं उसको, ताकि जो जहर है उससे बचा जा सके। इसको मैं पूर्णतः ऑर्गेनिक तरीके से कर रहा हूँ। उसमें जो पौधों की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर हमने मेरे दाहिने तरफ से स्टार्ट करें तो आम, लीची, आड़ू, आलू बुखारा, खुरमानी, इसके अलावा सेब, ये सारी चीजें लगाकर ट्रायल की है। अभी फल नहीं आया है, बाकी आम कामयाब है। उसके अलावा और बाकी चीजें देखनी है उनमें से कौन कौन सी कामयाब हो पाएंगी। जामुन कामयाब है और जामुन पहले भी लगी हुई है हमारे। उसके बाद में अगर बात करें तो बाद में आती है नींबू वर्गीय पौधे, जिनमें इजरायली संतरा, किन्नू, माल्टा, मौसम्बी, नींबू और भी 2-3 टाइप के नींबू वर्गीय पौधे हमने लगाए हुए हैं। उसके बाद बात करें थोड़ा सा और आगे आए तो उसके अंदर हमने लगाया हुआ है अमरूद की 4-5 वैरायटी हैं, जिनमें हिसार सफेदा और हिसार सुरखा सबसे ज्यादा हमने लगाई हुई है। काला अमरूद भी है, दूसरे L49 भी है, दूसरे काफी वैरायटी भी है जो हमने ट्रायल के तौर पर लगाई हुई है। इसमें अमरूद में हिसार सुरखा और हिसार सफेदा मेरे फार्म पे सबसे ज्यादा कामयाब रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो 1 हफ्ते तक चल जाते हैं हमारे, जो हम यहाँ से तोड़ के लेके जाते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बारी हम इनके फार्म पे भी देख लेते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस तरीके से प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने फार्म की, तो सबसे पहले हमने देखिए जो ये फेंसिंग जो है ना, वो पोल के साथ लगाई हुई है ताकि जंगली जानवरों से बचाया जा सके, आवारा कुत्तों से बचाया जा सके, या फिर दूसरे जो भी हानिकारक पशु हैं उनसे बचाया जा सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फार्म को सुंदरता देने के लिए, तो उसमें हमने पौधों की बाउंड्री बनाई हुई है चारों तरफ, तो उसमें पाम मुख्यतः तौर पर लगाया गया है ऊंचा निकलने के लिए। उसके बाद में चंपा, लाल चंपा, बीच की हाइट के पौधों के हिसाब से, और उसके बाद में बात करें तो नीचे जो हमने लगाया हुआ है, या पीछे एक्जोरा है, या फिर इस साइड में आपका बोगनविलिया है, ये हम रखेंगे लगभग 4-5 फीट की हाइट तक। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो मेरी जो खेत की सारी सिंचाई, आप चाहे बड़े पौधों में देख लें चाहे छोटे पौधों में देख लें, सारी की सारी ड्रिप इरीगेशन के ऊपर करती है, ताकि पानी का ज्यादा से ज्यादा बचाव हो सके। यहाँ पानी खारा है, आपको मैं बता दूं पानी खारा है, 4 ईसी के आसपास का पानी है। उस पानी को अगर आप ड्रिप के माध्यम से लगाते हैं,
तो यह पानी आपके पौधों को खाद की तरह से प्रयोग में आता है। अगर आप सीधा फ्लड इरिगेशन या फुहारों से लगाओगे तो ये बड़ा खतरनाक साबित हो जाएगा। ये मेरे खेत में एक तो सब्जी का पेड़, दूसरा दूसरे पौधों का बेड, उसमें जैसे बाउंड्री के पास दूसरे पौधे आ गए थे जो साल सजा वाले हैं। अब आ गया केला, केला अभी इसी साल लगाया है, थोड़े दिन पहले लगभग महीना हुआ है इसको। उसके बाद में फिर बेड आ गया सब्जी का, इनमें हम सब्जियां लगाएंगे अभी, आज उस तरफ से काम चल रहा है। उसके बाद में अगर बात करें तो बेड की लाइन हमने, ये पुराना पौधा है, उसके अलावा तो बाकी अभी लगाए हैं। आगे बात करें तो अनार जो है ना, अनार का पौधा वो हमने तीन लाइनों में किए हुए हैं। ये अलग अलग वैरायटी हैं जो कि मंगेना से मैं लेके आया था, यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र है इंडो इंडियन प्रोजेक्ट का, और मैं बागवानी विभाग खासकर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका आभारी हूँ, उनके वहाँ से पौधे मैं लेके आया और वो सारे के सारे यहाँ पे कामयाब हैं। उसके अलावा अगर आगे बात करें तो महुआ का नारी वैरायटी है, इसमें इस तरफ अगर आप देखेंगे मेरे दाहिने हाथ की तरफ तो हमने प्याज लगाई हुई है, और ये भी माइक्रो स्प्रिंकलर जो सबसे छोटे वाले फवारे होते हैं उसके ऊपर हमने इसकी फसल ली हुई है। ये पिछले सप्ताह ही लगाया गया था जो कि अभी अंकुरित नहीं हुए हैं, और ये अंकुरित होने के बाद में अब गर्मी का प्याज है तो अच्छा मुनाफा देगा। अगर आगे बात करें हम तो इसमें अमरूद की काफी सारी वैरायटी है, जिनमें मैंने आपको बताया था हिसार सुरखा हिसार सफेदा मुख्यतः ली गई है। छोटे से छोटा भी अगर आप तोड़ के खाएंगे तो जबरदस्त मीठे हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे से छोटा, क्योंकि जो बड़े बड़े थे वो सारे के सारे तोड़ लिए गए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो जबरदस्त मीठा है खाने में, आप आगे भी देख सकते हैं। अगर इस तरफ बात करें नींबू वर्गीय पौधों में तो इस तरफ हमारा नींबू के पौधे, ये लाइन नींबू की है। ये अगर मैं बात करूं तो ये इजरायली संतरा, देखिए इसका फायदा ये है कि किन्नू या संतरा से थोड़ा पहले आ जाता है, ये काफी लगे हुए हैं पत्तों के नीचे छुपे हुए हैं। इजरायली संतरा भी अच्छा प्रोडक्ट है जो कि मंगाना से लाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीच में हमने लाइनें बढ़ाई हैं, पहले 15 फीट का गैप था, अब 7.5 फीट पे लाइन से लाइन की दूरी रह गई है। आप देख इस साइड से देख सकते हैं काफी अच्छे लगे हुए हैं। अगर बात करें तो ये जो नई लाइन लगाई हमने बीच में, और एक बात आप और भी नोट करेंगे, हर पौधे के बीच में हमने पपीता जरूर लगाया है या केला लगाया है, जहाँ छोटे पौधे वहाँ केला लगा दिया, बाकी जगह पपीता लगाया ताकि उस जमीन का सदुपयोग हो सके। ये पौधा भी पिछले सप्ताह लगाया गया है। और अगर बात करूँ और नींबू वर्गीय पौधों की तो मौसम्बी आप देख सकते हैं, मौसम्बी भी लगभग ये 2 साल का हो चुका है पौधा, मौसम्बी काफी अच्छी लगी हुई है। और बात करें तो आगे किन्नू के पौधे खड़े हैं इनमें भी। ये कुल मिला के मेरा वीकेंड डेस्टिनेशन है, जिसमें आपको यहाँ लगभग सारी तरह के फ्रूट मिलेंगे। ताकि ये देखिए कितने जबरदस्त लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं एक पौधे के ऊपर 200-250 के आसपास, छोटा सा पौधा है 2 साल का, इसके ऊपर लगे हुए हैं। मौसम भी उन पर देखिए, मौसम भी लगी हुई बहुत अच्छी, ये लगभग 2 साल के पौधे, 2 साल के पौधों पर काफी अच्छी पैदावार आई हुई है। अगर अभी बात करें तो किन्नू का पौधा है, किन्नू देखिए, किन्नू भी काफी लगा हुआ है और कच्चा तोड़ भी लिया गया है। आप ये देख सकते हैं पूरा पेड़ किन्नू से लदा हुआ जी। अगर आगे बात करें तो इस फार्म की, ये टेम्परेरी वाले पौधे हैं, कुछ गलती से लगा दिया गया था, बाकी यहाँ पे इस एरिया में
हमारी सलाह एग्री टूरिज्म के लिए हट बनाने की, यहाँ से लेके वहाँ तक की। और ऊंचा जो टीला बनाया हुआ है उसके पास में जो खरपतवार निकलते हैं वो सारे के सारे वहाँ डाले हुए हैं। कुछ दूसरा एक गड्ढा बनाया हुआ है उसके अंदर डाले हुए हैं, ताकि यहाँ की खाद यहीं डाल सकें हम उनका उपयोग। और अगर बात करें बीच बीच में इन पौधों की, तो आम के पौधे लगाए हुए हैं, आम के अलावा आगे जामुन है, जामुन के अलावा आपका और आगे चलते रहेगी तेज पत्ता है, पत्ते के अलावा आम उसके अलावा आप देखेंगे इसमें सेब के पौधे भी हैं, नाशपाती के भी हैं, और इसके अलावा आड़ू और आलूचा के भी पौधे इसके अंदर हमने लगाए हुए। इस तरह से कुल मिला के हमने 15 से 20 टाइप के तो फलदार पौधे लगाए हुए हैं। और बीच में आप देख रहे हो हर एक लाइन के बीच में एक बेड बना हुआ है, जिसमें आज सुबह हमने कुछ मूली या गाजर या जो इस समय होने वाली सब्जियां हैं उनकी बिजाई शुरू कर रही है, और अब अगले सप्ताह तक ये बिजाई पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल साहब और उनका हमने फाज फार्म देखा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, और दूसरे किसान भाइयों को और दूसरे लोगों को भी आप शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो जो है ये दूसरों तक पहुँचे और जितने भी छोटे किसान हैं वो इस पद्धति को अपना पाएं। और दोस्तों, अगर आप कुछ इस तरीके की खेती और वो सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ के आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, और कुछ खेती से रिलेटेड और भी अगर कुछ आप उत्पाद लेना चाहें तो आप वो लिंक्स को जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।